चाहिए का प्रयोग दो तरह से होगा, शुड या मस्ट। शुड का प्रयोग कहाँ होगा, जहां पर आपको सलाह दी गई है, और मस्ट कहाँ पर है, जहां पर आपको पालन करना, आपको सलाह नहीं दी गई है आपको, बल्कि उसको पालन करना आवश्यक। जो काम आपको आवश्यक है और आपको करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको दंड मिल सकता है। ऐसे जगहों पे हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का। जैसे अगर आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए तो ये क्या है, मस्ट होगा या शुड, है ना। आपको बड़ों के पैर छूना चाहिए, ये क्या है, शुड। पर आपको अगर स्कूल समय पे आना है तो शुड होगा कि मस्ट, क्योंकि आप अगर लेट आओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जहाँ सलाह होगी वहाँ पर शुड चाहिए। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अब सड़क के नियम का पालन कौन सा होता है, सड़क के नियम क्या होते हैं, हमेशा जैसे इंडिया में लेफ्ट साइड में चलिए, है ना, तो जिस तरीके से वो है, पर अगर आप उसको नहीं भी पालन करते हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, तो ये आपको क्या दी गई है, सलाह, क्या आएगा, बी शुड, शुड एल साइलेंट रहता है, बी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड सीखने के लिए, वी शुड लर्न, क्या सीखनी चाहिए, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या आएगा, इंग्लिश के लिए आएगा ई कैपिटल लेटर, वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अब ट्रैफिक नियम चौराहों पर रहते हैं, है ना, तो आपको जब रेड सिग्नल हो तो क्रॉस नहीं करना है, ग्रीन हो तभी जाना है, जो भी रूल्स हैं उसके आपको वो पालन करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भर सकता है, ठीक है। तो आपको हेलमेट लगाना है, जो भी ट्रैफिक के नियम है वाहन चालकों के लिए बने हुए, वो आपको पालन करना अति आवश्यक है। और अति आवश्यक के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, बी मस्ट फॉलो, क्या आएगा, ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक। तो ये अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है तो भी ध्यान रखना है, और ट्रांसलेशन भी इस तरीके से।